हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं डिफेंड गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक प्योर पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज जिंक में कहां एंट्री कर सकता है और कहां एग्जिट हो सकता है, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं जिंक 181 पिवट पॉइंट, फर्स्ट रेजिस्टेंस 182.95, सेकंड रेजिस्टेंस 186.45 एंड थर्ड 188.40। फर्स्ट सपोर्ट 177.50, सेकंड सपोर्ट 175.55, थर्ड सपोर्ट 172.05। तो ये देख सकता है जिंक डेली चार्ट, जिंक मैंने एक पहले एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपको याद होगा शायद प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने सपोर्टिंग लाइन दिया था। तो यहाँ से मैंने सोच रहा था तो मार्केट यहाँ से बाउंस होगा, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अभी भी ये जो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे हमें मिला एक सपोर्टिंग जोन मिला हुआ है, तो सपोर्टिंग जोन का अंदर में ही है, इसको बोलते हैं बफर जोन। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे एंटी कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अगर एंटी कर सकता है, हम कहाँ पे एंटी कर सकते हैं, बाय में या सेल में, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया एक ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्टिंग जोन है। तो यहाँ से आप ये कंटिन्यूसली यहाँ पे क्लियर देखा सकते हैं, क्लियरली ये एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में रूल क्या होता है, तो हमें सेल करना चाहिए ना, राइट। तो सेल में क्या होता है एक्जैक्टली, यहाँ पे आप सेल करेंगे तो थोड़ा दिक्कत में हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब सपोर्टिंग लेवल में, कभी भी आपको सेल नहीं करना है, राइट। तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस तो नीचे ही नहीं आता रहेगा ना, यहाँ से कभी कभी मार्केट तो ऊपर भी चला जाता है, राइट। डाउन ट्रेंड खत्म होके अप ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म होता है, तो एग्जैक्टली होता है क्या है, कभी कभी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है, वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट, यहाँ पे हमें जो सपोर्टिंग लेवल मिला हुआ है, तो सपोर्टिंग लेवल तो यहाँ से आप सेल लेंगे तो क्या होता है, तो मार्केट क्या होता है ऊपर चला जाता है, राइट। तो इसलिए सेल लेना है, तो जो लोअर पॉइंट है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, और जो सपोर्टिंग लेवल है उसको ब्रेकआउट करने के बाद ही हम सेल लेंगे, ठीक है। तो अगर बाय लेगा तो यहाँ पे आप अगर बाय में एंट्री कर सकता है, राइट। यहाँ पे अगर आप बाय में एंट्री करें तो एसएल जस्ट बिलो में रहना चाहिए, किसका जो सपोर्टिंग लाइन होता है, तो सपोर्टिंग लाइन का नीचे में आप एसएल लगा सकता है, राइट। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।